नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपनी होस्टिंगर के अकाउंट में अपने डोमेन पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको लॉगिन करना है अपनी होस्टिंगर के अकाउंट में और जिस भी डोमेन पे आपकी होस्टिंग एसोसिएट रहेगी उसके आगे ये जो मैनेज का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए या फिर ऊपर आपको ये जो मेन्यू बार में यहाँ पे होस्टिंग दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके डोमेन के आगे जो मैनेज का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके का होस्टिंग पैनल का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे आपको जो है वो एडवांस नाम का सेक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए नीचे स्क्रोल डाउन करके, और उसमें PHP कॉन्फ़िगरेशन नाम का जो सेक्शन है उसमें हमें जाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे जो है PHP वर्जन यहाँ पे चेंज करना है। अब ये हमें चेंज क्यों करना है, अगर आपने पहले भी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और आपकी होस्टिंग का PHP वर्जन अगर पुराना होगा तो लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन में जो है वो आपको डैशबोर्ड में एक मैसेज शो करता है योर होस्टिंग PHP वर्जन नीड्स टू बी अपग्रेड। तो उसमें जो है वो लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन स्मूथली यहाँ पे वर्क करे और उसके फंक्शनलिटी में हमें कोई भी दिक्कत ना आए इसके लिए हमें जो है वो लेटेस्ट PHP वर्जन यहाँ से चेंज कर लेना है। तो इस सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लेटेस्ट PHP वर्जन दिखाई दे रहा होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो है वो यहाँ पे PHP कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से लेटेस्ट वर्जन जो भी दिखाई दे रहा हो जैसा यहाँ पे 7.4 है वो सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए फिर से हमें जाना है अपनी डैशबोर्ड में होस्टिंग पैनल के। उसके बाद यहाँ से नीचे जो वेबसाइट का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो ऑटो इंस्टॉलर का टैब है इस ऑटो इंस्टॉलर टैब में हमें जाना है। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है वर्डप्रेस का इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो डोमेन आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे आपको HTTPS सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने अभी तक SSL इंस्टॉल नहीं किया है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले तो SSL इंस्टॉल कर लीजिए डोमेन के ऊपर। होस्टिंगर में आपको डोमेन के ऊपर SSL यहाँ पे फ्री मिलता है। उसके बाद ठीक नीचे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम जो है वो यहाँ से आप यूज़र नेम सेट कर लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं। पर्सनल नेम भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड सेट कर लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं और ये जो पासवर्ड है ये कहीं पे नोटपैड में या फिर कहीं पे तो भी सेव करके रखिएगा जो भी आपने सेट किया है वो। उसके बाद में नीचे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल में आपका मेल आईडी डाल दीजिए। सबसे आखिर में जो वेबसाइट टाइटल है यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए और उसके ठीक नीचे एप्लीकेशन अपडेट्स जो है वो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आखिर वाला जो ऑप्शन है ऑलवेज अपडेट टू लेटेस्ट वर्जन ये सेलेक्ट करके रखिएगा क्योंकि माइनर बग्स जो होते हैं वो ऑटो अपडेट्स में यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बाद में। एक बार ये कॉन्फ़िगर आपने कर लिया तो इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने पहले भी होस्टिंगर यूज़ किया है या फिर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे तो हो सकता है आपको यहाँ पे एरर शो हो या फिर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। तो उसके बाद में आपको सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करनी है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। एक बार आपका यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ से ये जो विंडो है इसको क्लोज कर लीजिए और यहाँ से कुछ इस तरीके से डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी आपकी डोमेन के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल्स का बटन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन डिटेल्स यहाँ पे शो कर देंगी और उसके ठीक लेफ्ट साइड में जो वर्डप्रेस का आपको बटन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वर्डप्रेस का लॉगिन पेज यहाँ पे खुल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने इंस्टॉलेशन के वक्त जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था उसका यूज़ करके आप अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। और एड्रेस बार में आपको जो URL दिखाई दे रहा है इसे कॉपी कर लीजिए या फिर बुकमार्क करके रख लीजिए। वो जो URL है वो आपकी वर्डप्रेस डैशबोर्ड की लॉगिन URL रहेगी तो हर बार आपको होस्टिंगर के अकाउंट में जाके फिर वर्डप्रेस में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी डोमेन के ऊपर होस्टिंगर में वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।